नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं जयपुर माणा मंडी में और राजधानी ट्रेडर्स पर हैं। आज के इस वीडियो में जानने वाले लहसुन के ताज़ा अपडेट, क्या बाज़ार खुला है, कितनी आवक आमदनी देखने को मिल रही है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो कपिल भैया से आज जानेंगे लहसुन का ताज़ा अपडेट, बाज़ार क्या रह सकता है और अभी कहाँ कहाँ से माल आ रहा है, क्वालिटी अनुसार भाव भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। कैसे हो सर? बस बढ़िया है यादव जी, आप सुनो। तो सर क्या बाजार खुला है आज लहसुन में? सर बाजार ऊपर में यही यादव जी 170 एक रुपए तक। अच्छा जी। और नीचे में अपने यही 80 रुपए तक। यानी सर अभी थोड़ा सा माहौल बदला है कुछ? हाँ, माहौल पहले से टाइट हुआ। अच्छा, पीछे मंडियों में भी टाइट है तो उस हिसाब से यहाँ पे भी टाइट। सर अभी मेरे को सुनने में आया है कि 12 मंडी में ऊपर में 210 रुपए बिका है। हाँ, हो सकता है कोई लाट बिक गया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 170-180 रुपए तो कल ही बहुत लाट बिक गए थे वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे पीछे अगर तेजी का माहौल बनता है तो अपने जयपुर में बनेगी, टाइम लगता है ना सर? थोड़ा सा लगता है, बाकी तेजी आने लगी गई ना, उधर भी तेजी आए हुए हो गया टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। और सर आज की अगर आवक की बात करें तो आवक कितनी है? आवक यही मान के चलो 700-800 कट्टे के आस पास। 700-800 कट्टे। और सर अगर जैसे पीछे स्टॉक की बात करें तो अब कितना रहेगा स्टॉक? सर स्टॉक यादव जी देखो, हर किसी आदमी से पूछोगे अलग अलग सुनाई आएगी। अच्छा, बाकी मोटा मोटा आइडिया ही मान के चलो 20-25% के आसपास होगा। आइडिया ही लगता है सर 20-25% है। हाँ, तो किसानों के हाथ में है या फिर व्यापारी? दोनों के हाथ में ही आता है, किसानों से पूछो तो उनके हाथ में भी और व्यापारियों के हाथ। अच्छा जी। बाकी अपन इतना बड़ा वो है सर्किल तो अपन फिक्स आप नहीं कह सकते किसके हाथ में जाता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थोड़ा सा जैसे अभी ये कलियां से शुरुआत करते थे, ये क्या? 80-90 रुपए। 80-90 रुपए। और ये वाला लहसुन सर? ये यादव जी यही बोल रहे हैं 150-160। 150 रुपए। ठीक है जी सर। और ये वाला सर कौन सा? ये यादव जी 150 रुपए। 150। तो टॉप में सर कौन सा है अपने यहाँ पे? टॉप में यादव जी यही थे, मोटे माल थे। अच्छा, बिक गए सर। तो ये वाला सर थोड़े बहुत तुल भी गए माल। ये 120 रुपए बोल रहे हैं। 120 रुपए। और ये सर छोटी कट्टियां? छोटे कट्टे यादव जी साइज के हिसाब से, जैसे ये तो बहुत बारीक है, 110-120 रुपए ऐसे। अच्छा जी, अच्छा। तो सर और ये वाला सर? ये इसी का ढेर हो रखा है यादव जी, यही 150 के आसपास। अच्छा जी, अच्छा, 150 रुपए के आसपास। तो सर आगे कहाँ तक बाजार जा सकता है सर, कुछ संभावना है? यादव जी इसके बाद बस 10-15 रुपए के आसपास मेरे को लग रहा है तेजी आएगी, फिर एक बार बाजार रुके। यानी 200 का आंकड़ा छू लेगा, उसके बाद फिर थोड़ा सा तो रुकेगा, इतनी सेल फिर पावर भी आना होता है, इतना बाजार में जाके पकड़ना भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि अगर 200 रुपए यहाँ बिक रहा है तो लगभग बाहर वाले माल भी तो आ ही रहे, 250 वाले पकड़ करने लग जाएंगे, बाहर वाले माल में तेजी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे? अब तो बाजार अच्छा है, निकालें वो भी निकालें। बिल्कुल। अपने माल जिसको अब तो निकल अच्छा लगता है निकालना, हो निकाल के फ्री भी हो ले थोड़ा। वैसे मंदी के तो कोई चांस नहीं है ना? नहीं, मंदी तो अब क्या आएगी यादव जी, तेजी आई गई, आगे भी तेजी की उम्मीद है, मंदी का तो कोई उम्मीद। बिल्कुल, टाइम बिल्कुल, भी पड़ा है ना कब। बिल्कुल सर, जिसको पैसे की जरूरत है वो निकालते चल, जिसके पास कोई दिक्कत ही नहीं हो अपना चांस ले सकता है, जिसको खुद के ऊपर हो गई वाली अब तो बात की, जिसको चांस लेना वो अपने दिमाग से प्ले करे। बिल्कुल बिल्कुल। और रिस्क लेगा वो पैसे कमाएगा भाई, जो रिस्क लेने वाला, अब तो जो जितना कर सकता है, जिसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जो रोकना चाहता है वो रोके, आगे उम्मीद तो है बढ़ने, कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कितना ही बढ़ जाए, कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। सही बात भाई, बाहर के माल नहीं है तो बाजार कहीं मतलब कितना भी बढ़ सकता है, वो कुछ नहीं कह सकते, जिसको गिरा थोड़ा थोड़ा करके अपना निकालते चले, जिस किसान के पास थोड़ा थोड़ा है अपना थोड़ा थोड़ा करके निकालते चले, बाजार लेता चले हर भाव। बिल्कुल सर। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं? 9782166324, कपिल वत्रा, राजधानी ट्रेडर्स, मोहना मंडी जयपुर। चलो जी सर, धन्यवाद।